जैसे कि आप लोग को आवाज से पता चल रहा होगा कि मैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आ गया। आप लोग को पीछे ताजमहल नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ ताजमहल में इतना ज्यादा शाइनिंग है। यहाँ मैं हर बेटू ताजमहल का मजे ले रहे हैं। मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 4 to 4 बजे। हम लोग निकल चल घूमने के लिए, तो आज बड़ा ही कमाल का ब्लॉग होने वाला है। पूरी दिल्ली में नहीं, आफ्टर दिल्ली जा रही हूँ। और जो मेरा, जब से मैं दिल्ली आई ना, तब से मेरा सपना था कि मैं घूमने जाऊँ, आज फाइनली मैं वहाँ पर जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पे सुबह इतना अंधेरा है ना, इस अंधेरे में हम लोग घूमने जा रहे हैं और मम्मी अभी दृष्टि को ले रखी है। लिटरली अजीब सा लग रहा है इस अंधेरे से रात में, और फिर भी हम निकल गए हैं। दृष्टि अभी टुकुर टुकुर देख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसको देख के। अभी रास्ता सुनसान है, पूरा रोड खाली है और इतना अच्छा लग रहा है बाहर देख। जैसे कि आप लोग को आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आ गया, मम्मी दृष्टि को ले रखी है। तो इस बार मैं नहीं जा रही, भाभी नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ रचित। रचित बहुत परेशान रहता है, तो भाभी बहुत थक जाती है, इस बार भाभी नहीं जा रही है। तो हम दोनों जा रहे हैं, फुल एंजॉय करने वाले हैं। अब यहाँ पे आके जब हम लोग ट्रेन लेंगे फिर वहाँ जाएंगे। पूरा स्टेशन सुनसान है, बहुत कम पब्लिक है क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ पे अकेला, मतलब मैं और मम्मी दोनों अकेले ही हैं और अच्छा लग रहा है हम लोगों को। लोग अभी ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन हो गई हमारी स्टार्ट, पता चल रहा हमारा सफ़र हो गया है शुरू। हमारी दृष्टि दृष्टि अभी हमारी गुड में खेल गई है, मम्मी आराम से बैठी है। 2-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे जहां हम जा रहे हैं अभी। लो, सफ़र शुरू हो गया हमारा। हम लोग पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन आधे घंटे लेट थी, तो यहां पे मैं पहुंच चुकी हूं स्टेशन पे। और दृष्टि अपने नानी वहाँ के गोदी में, एज यूजुअल अपने नानी के गोदी में रहती है, मेरे पास कमरे रहती है। जब आप आगरा आते हैं तो ट्रेन से उतरने के बाद आप एग्जिट लीजिए और वहाँ से ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, सब कुछ आपको मिल जाएगा ईजिली। मम्मी हम कहाँ आए हैं, क्या करने हैं? हम लोग ताजमहल देखने आए हैं, हम घूमने आए हैं। और यहाँ का मौसम लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी हम स्टेशन पे आ गए, हम एग्जिट नहीं हुए, अभी बस एग्जिट होंगे थोड़ी देर में। स्टेशन पर ही आपको आगरा वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ताजमहल वाला। रेलवे स्टेशन के पास आई लव आगरा वाला जो बना के रखा है ना, लिटरली इतना अच्छा लग रहा है। हमने ऑटो ले लिया और यहाँ से हम जाएंगे सीधा ताजमहल, वहाँ पे जाके हम घूमने वाले हैं। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे आप? सी ब्लैंक, वो ब्लैंक है, कुछ नहीं बोल सकती है। इन्हें खुद नहीं पता होता कि मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ, तो कुछ ये ब्लैंक होने वाली है। बस ये देखो, इसको लेके घूमती रहती है, जिसका मेरा टेंशन नहीं रहता मम्मी अपना लेके घूमती है। ये है आगरा की रोड जो सीधा ताजमहल के पास हमें पहुंचाता है। आगरा के रोड पे ऐसे कई फ्रीडम फाइटर मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ये है ताजमहल का फर्स्ट एंट्री गेट, जहाँ से हम एंट्री लेंगे और आगे जाएंगे। हम लोग ताजमहल के फर्स्ट एंट्री गेट से एंट्री ले चुके हैं, अब सेकेंड होगा तो वहाँ से जाके एंट्री लेंगे। हम लोग सेकेंड गेट पर पहुँच गए, अब इधर जाके टिकट बाई करना है, हम टिकट बाई करेंगे और फिर अंदर एंट्री लेंगे। मम्मी फटाफट आगे जा रही है, मम्मी के हाथ में दृष्टि है और बैग भी है, मम्मी ने दोनों संभाल रखा है। मुझे लेना है टिकट, तो यहाँ साइड में टिकट काउंटर है, तो वहाँ से मैं टिकट बाई करूँगी। मैंने टिकट खरीद लिया और जो टिकट 50 का मिलता वो 60 का मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन काउंटर बंद है, वो 10 बजे के बाद खुलेगा बिकॉज ऑफ कोरोना, बट आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। तो मैंने अभी ऑनलाइन टिकट खरीद लिया जो कि मुझे मोबाइल में मिला है ब्लूटूथ के ज़रिए। तो अभी मैं अंदर एंट्री ले चुकी हूँ, तो मैं अंदर जाके ताजमहल देखूँगी। ये तो दिल्ली का लाल किला लग रहा है। जब आप लोग एंट्री गेट लेते हो, फर्स्ट एंट्री गेट, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि मास्क ले लो एंड शूज़ में कवर करने के लिए पन्नी ले लो, सब कुछ ले लो, बट मत लेना क्योंकि वो वैलिड नहीं है, मतलब वहाँ पे आपको कंपल्सरी नहीं है लगाना, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, उन सब चीज़ को अवॉइड करिए। ने वाइट कलर का है ताजमहल। आप लोग दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब या फिर दिल्ली का लाल किला, और ये तीनों सेम ही लगते हैं, मतलब बहुत हद तक तीनों सेम है। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिकॉज ऑफ मैंने देख रखा है, तो अच्छा लग रहा है। मेरी दृष्टि के लिए ये सब फर्स्ट टाइम है,
दृष्टि फर्स्ट टाइम आई है ताजमहल, और यहाँ पे ये वो देखेगी, उसको याद तो नहीं रहेगा बड़े होके, पर उसके जो जितने भी मेमोरीज है लाइक सब कुछ मैं इकट्ठा कर रही, जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको दिखाऊंगी। और पीछे ये गेट है, उसके बाद वो ताजमहल वाइट वाइट जो पीछे दिख रहा है वो है ताजमहल का। ये है ताजमहल के सामने का लाल किला जिसे रेड फोर्ट बोला जाता है, यहाँ पे सेम चीज़ हुआ। और यहाँ से हम एंट्री लेंगे सीधा ताजमहल, आप लोग को देखने को मिलेगा वाइट कलर का ताजमहल। इस टाइम में क्रीमी कलर का होता है, बाकी फोर टाइम मतलब चार टाइम में अलग अलग रंग बदलता है, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग, रात अलग, तो यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मम्मी दृष्टि को लेके रखी है, दृष्टि अपने फॉर्म में है, वो अपने हाथ को ऐसे देख के जैसे कभी देखी नहीं है, और उसे भी अच्छा लग रहा है। मम्मी अपने आराम से दृष्टि को लेके घूम रही है। सामने आपको ताजमहल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो इतना शाइनिंग कर रहा है ना कि वो धूप में दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक हो रखा है। थोड़ी देर में उसको फोकस करो, आगे जाओ तो आपको ताजमहल दिखेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा इसके अंदर, इतना शाइनिंग है, देखो अब दिख रहा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए, तो ताजमहल जो है ना वो प्रेम की निशानी है, एक प्यार के लिए है, जो शाहजहाँ ने अपने मुमताज़ के लिए बनाया था। और उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया था क्योंकि वो अपनी मुमताज़ से बहुत प्यार करते थे, और मुमताज़ बेहद सुंदर थी। ताजमहल हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है, इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ताजमहल के आगे ये फ्लावर पॉट और ये पानी, ये पेड़ पौधे ताजमहल के ना चार चांद लगा रहे हैं। जितना खूबसूरत ताजमहल है उतना ही खूबसूरत ये पेड़ पौधे और ये वाटरफॉल, मतलब सब कुछ इतना अच्छा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की एक सार्वभौमिक प्रशंसक और कला में से एक है, जो कि सात अजूबे में से एक बोला जाता है। हम लोग आए ताजमहल और मैं दृष्टि को लेकर आई हूँ ताजमहल इसको दिखाने के लिए। मैंने तो अभी आके देखा, इसका बचपन में ही ताजमहल देखना हो गया। ताजमहल 42 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे तीनों तरफ से घेरा हुआ है, और इसके चारों तरफ आपको चार खंभे दिखेंगे जो ताजमहल को अभी तक स्थापित करके रखा हुआ है। यहाँ ताजमहल के सामने दृष्टि अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, मैं उसको लेकर बहुत घूम रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, उसके साथ प्यार कर रही हूँ, और ताजमहल के बारे में उसको बता रही हूँ। यहाँ मम्मी मेरा वीडियो बना रही है और मैं यहाँ दृष्टि के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से ताजमहल को इंजॉय करवा रही हूँ। वो समझ तो कुछ नहीं रही है, पर मैं उसको समझा रही हूँ। इतना खुश हूँ उसको लेके कि मैं उसको लेके यहाँ पे घूम रही हूँ, लाइक डांस कर रही हूँ, उसको मतलब अलग फील करवा रही हूँ, जबकि वो कुछ समझ नहीं रही है। अब आया मम्मी का टर्न। अब मम्मी अपनी दृष्टि को लेके मज़े कर रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, वो अपनी नानी होने का फ़र्ज पूरा निभाती है, अपनी नतनी को लेके घूमती रहती है, उसी के साथ मम्मी 24 घंटा रहती है। इस टाइम भी मम्मी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, अभी भी वो अपनी नतनी को ही लेके रखी हुई है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ताजमहल को सन 2007 में इसे ना सात अजूबों में से घोषित किया गया, एक अजूबा जो कि सातवें नंबर पर है, जो कि आगरा में है, यूपी के अंदर। यहाँ मैं और बेटू ताजमहल का मज़े ले रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, तो अलग ही है। दृष्टि भी चिपक जाती है, मेरी गोदी में आती है तो एकदम चिपकी पड़ी है ये। मम्मा से कोई माने मतलब नहीं है, और मुझे ब्लॉग बनाने से कोई माने मतलब नहीं है ना। मौसम अच्छा हो गया, गर्मी नहीं है, पर हमारा टू बी ऑनेस्ट हम लोग का अच्छा प्लान था कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। क्या करते हैं यहाँ, सिर्फ ताजा और कुछ नहीं है। ये है ताजमहल, आपको जैसे दिख रहा होगा ये ताजमहल है, और ये है मस्जिद, और ये है यमुना, और यही है यमुना, और वहाँ जो आपको लाल कलर का जो दिख रहा है ये इसी में शाहजहाँ को बंद कर दिया था उनके बेटा ने, और ये इसी के अंदर अपने आखिरी सांस लिए। बोला जाता है कि ताजमहल के खंभों को, चार जो खंभे हैं, उसे यमुना नदी के अंदर से गाढ़ा गया, लगाया गया है, जब ही इतना स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी है मुमताज और शाहजहाँ का, दोनों कपल थे, मतलब दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, पर उनको बेटा को रास नहीं आया, और उन्होंने अपने पापा को उस लाल कलर की जो वहाँ पे किला था उसके अंदर कैद कर दिया, और इधर ये मुमताज़ के, तो जो शाहजहाँ थे अपने आखिरी पल उसी किले में बिताए, क्योंकि वो मुमताज़ की याद में ही तरफ तरफ के अपनी जान गंवा दिए, उनके बेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनके ही मुमताज़ के लिए ये जो है ताजमहल बनाया गया। और शाहजहाँ ऐसे थे जिन्हों जितने भी मजदूर लोगों ने ताजमहल बनाया तो उन्होंने उनका हाथ कटवा दिया, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कुछ अजूबा ना बने इसलिए। तो यही इनका बोलते ना कपल गोल है, मैं नहीं बोलती सबको करना चाहिए, हाथ कटवा देना चाहिए, पर है कपल गोल अपनाओ ना इनके जैसा, पुराने जैसे, कितना अच्छे थे ये लोग।
अब तो यमुना सूख गई है, ऑलमोस्ट सूखी गई है, गंदी भी हो गई है यमुना। यहाँ पे बोटिंग होता था, सब कुछ बोट अभी भी रखा हुआ है। अरे बहुत दूर दूर तक किला फैला हुआ है। इससे 10 से 20 साल पहले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोटिंग होता था। यहाँ पे यमुना है ना, तो पूरा पानी भरा भरा रहता था। अब तो पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल हो गया। तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडापन था, गर्मी नहीं थी। मौसम जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी इतना गंदा मौसम हो गया, इतना। अभी हम ताजमहल के चारों साइड मैंने घूम लिया। पीछे एक मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद ही मस्जिद आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल की गुफा के अंदर जाना अलाउ नहीं है। मुस्लिम धर्म बोलते हैं कि मुमताज़ का कब्र है उसके अंदर, और हिंदू धर्म बोलते हैं कि शिवलिंग है। इन दोनों की बातों से हमें नहीं पता है कि क्या है, पर उसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। और ताजमहल के अंदर जो गुफा है उसके अंदर से ना पानी हमेशा गिरता रहता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। दृष्टि गर्मी से है परेशान, उसे बहुत परेशानी हो रही है और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब हम ताजमहल से निकल रहे हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। यहाँ दृष्टि गर्मी से परेशान हो रही है, मम्मी उसको बहुत तेज़ से लेके जा रही है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। तो हम बहुत जल्दी एग्ज़िट होना चाहते हैं और फिर हम यहाँ से अपना ट्रेन पकड़ना चाहेंगे। जाने से पहले दृष्टि को ताजमहल के सामने बोलते ना लास्ट टाइम प्यार करूँगी, उसको लेके घूम लेती हूँ और फिर लास्ट अब कब आऊँगी मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा मेरे फेस लाल हो गए, बिट्टू का फेस लाल हो गया, जबकि हम धूप में एक सेकंड के लिए भी नहीं थे। हमने ख़रीदा खीरा, हाथ में ठंडा पानी दो खरीद चुकी हूँ। बहुत प्यास लग रही है और बिट्टू अपनी नानी माँ की गोदी में है। लिटरली मैं अपनी मम्मी को परेशान करके रख देती हूँ हमेशा, दृष्टि को मम्मी ही रखती है, मैं नहीं रख पाती। आप पास जाओ तो बंदर से सावधान रहे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बंदर आपका सब कुछ लेके भाग जाएगा, तो अपने सामान का ध्यान रखिए। परेशान हो गए आप, कैसा लगा ताजमहल? परेशान हुए, इतना धूप है यहाँ पे, मम्मी ऐसे बोल लिया। अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, अब हम अपने घर जाने की तैयारी कर लिए। हम ई रिक्शा में बैठ गए, मैं और मम्मी बैठ गए हैं। दृष्टि अपनी मम्मी की गोदी में है, मतलब नानी की गोदी में, और यहाँ पे आपको आगरा को हम बाय बाय बोल रहे हैं। दृष्टि आगरा को देख लिया और हमने यहाँ पे पेठा खरीदा है। दृष्टि तो खाएगी नहीं, हम खाएंगे। दृष्टि नानी के साथ है, नानी के साथ सेम कलर। हम लोग ट्रेन से उतर गए और अभी ऑटो लिए। हालत इतनी डाउन हो गई कि मेरी फेस रेड हो गया, बहुत गर्मी है, हेडेक होने लगा, इन साउंड सबसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मतलब फाइनली घर पहुँचना है, घर पहुँचने के बाद बस सोऊंगी अभी। हम सब तो ट्रेन से उतर गए, मम्मी भी काफ़ी थक गया। मम्मी तो ट्रैवल, उसके साथ दृष्टि को रखना बहुत बड़ी बात है। बेटा हाँ हाँ, दृष्टि बहुत थक गई है। ट्रेन में इतना ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि हमारा जनरल मतलब स्लीपर था, तो एसी वाला नहीं था, उस वजह से दृष्टि इतना ज़्यादा रोने लगी थी। उसका गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, गर्मी थी और इस टाइम में जो हवा चलता भी ट्रेन में तो वो गर्म हवा होता है, जितना हम इसको चुनी गीला कर कर के सर पे रख रहे थे कि गर्मी ना लगे, पर बहुत गर्मी लगे, ऐसी फेस हो गया इसका। देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, हम दिल्ली के रास्ते में हैं, अब 5 से 10 मिनट में हम घर। घूम के आई हूँ आगरा से, ताजमहल देख के, तो आती भाभी ने आलू के पकौड़े, पापड़ और ये चटनी, दाल और चावल और सब्जी, गर्मा गर्म सब कुछ है जो कि मैं खाने वाली हूँ। दिखने में इतना यम्मी लग रहा है, तो खाने में तो माइंड ब्लोइंग होगा। इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट्स और शेयर करके जरूर जाइए और लाइक भी करिए। अब बाकी जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।